बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। जी, तो आप सब अपना टेक्स्ट बुक्स निकाल लें और अपने साथ पेंसिल भी पकड़े। ठीक है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो स्टिकी नोट्स पे राइट करना है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चाहे होप सो कि आप लोगों ने होमवर्क किया होगा। ठीक है, किया है सबने? आप लोग का होमवर्क किया था कि आप लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का जो है वो डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो किया है सबने? गर्ल्स ने तो किया होगा और बॉयज का नहीं पता, बॉयज नहीं करते मोस्टली। ठीक है, तो जिस तरह गर्ल्स जो है वो एफिशिएंट है करती है, इसी तरह आप लोग भी किया करें। अच्छा, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में, प्लास्टिड के बारे में। ठीक है, प्लास्टिड के हमने टाइप्स पढ़ी थी, इनके फंक्शंस हमने पढ़े थे, और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आप लोग का बुक पेज 77 पे है। ठीक है, आप लोग बुक पेज 77 निकाल लें। तो जी, आज हम डिस्कस करेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम फिलामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इनके साथ साथ जो है वो सिलिया और फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट ले लेते हैं। साइटोस्केलेटन आप लोग बुक पेज 77 निकाल ले, और दोबारा से थोड़ा सा रिपीट करवा रही हूँ कि अभी तक हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, ये सेल के अंदर ऑर्गेनिलीज है। ठीक है, हमारी सारी बॉडी जो है वो सेल से बनी है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिस तरह हमने सेल थ्योरी में इसके एसेंशियल्स पढ़े थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है वो हमारी बॉडी सेल से बनी है। अब सेल जो है वो लिविंग है, तो इनको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। सेल को नरिशमेंट जो है वो कहाँ से मिलती है, सेल अपनी नरिशमेंट जो है वो इसी डिफरेंट ऑर्गेनिलीज से ऑब्टेन करता है। लाइक अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए एनर्जी बनाती है। इसी तरह अगर हम दूसरे ऑर्गेनिलीज की बात करें, तो हर एक ऑर्गेनिली का अपना अपना फंक्शन है और सेल के लिए जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोस्केलेटन। तो चलिए जी पढ़ लेते हैं कि साइटोस्केलेटन का क्या काम है। जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी की एग्जाम्पल ले लें, तो हमारी बॉडी को कौन सपोर्ट दे रहा है, स्केलेटन सपोर्ट दे रही है। ठीक है, जिसको आप लोग सिंपली ढांचा भी कहते हैं। तो स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे रही है। अगर हमारी बॉडी जो है वो इरेक्ट खड़ी है, या इसके अलावा हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी भी हैवी चीज को उठा रहे हैं, तो ये असल में स्केलेटन की वजह से। हमारे बोन स्ट्रांग होंगे तो इट्स मीन कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होंगी। हम रनिंग भी सही करेंगे, हम वॉकिंग भी सही करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह सेल का भी अपना एक स्केलेटन है, जिसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन का मतलब कि ये वो स्केलेटन है जो सेल के अंदर मौजूद है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल। साइटोस्केलेटन क्या है, ये नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है, फिलामेंट्स का और ट्यूब्यूल्स का। यानी साइटोस्केलेटन जो है ये बनी है फिलामेंट से और ट्यूब्यूल से, जिनको माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी लोकेशन देख लें, लोकेशन का मतलब कि ये कहाँ पे है, तो साइटोस्केलेटन जो है ये मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल का जो फ्लूइड पार्ट है उनको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सेल का जो फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड किस चीज को कहते हैं, कि सेल का जो वॉटरी पार्ट है, ठीक है, जो मॉइस्ट पार्ट है, तो उनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये साइटोस्केलेटन स्केटेड हुआ है, इट्स मीन कि फैला हुआ है। इसके बाद अगर इनकी कंपोजिशन को हम देख ले, तो माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यूजुअली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल, एक हमारे पास साइटोस्केलेटन जो है ये बनी है माइक्रोट्यूब्यूल से और माइक्रोफिलामेंट से। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, तो असल में ये किस चीज से बने हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी चीज इनको बना रही है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये बने हैं कौन सी प्रोटीन से, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में डिफरेंट
प्रोटीन्स है, ठीक है। लाइक अगर हेयर्स की बात करें तो इसमें केराटिन प्रोटीन है। इसी तरह अगर हम बोन्स की बात करें तो बोन्स में जो है वो कोलेजन्स प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है तो साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोट्यूब्यूल है तो ये जिस प्रोटीन से बने हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम माइक्रोफिलामेंट्स को देख लें तो माइक्रोफिलामेंट्स जो है ये किस चीज़ से बना है, ये बना है एक्टिन प्रोटीन से, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है और माइक्रोफिलामेंट जो है ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शंस को देख लें कि साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है, तो साइटोस्केलेटन जो है माइक्रोट्यूब्यूल आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का क्या काम है कि ये यूज करता है सेल टू होल्ड देयर शेप। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल आल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेलिया एंड फ्लेजेला। यहाँ पे ये जो टू टर्म्स है सेलिया एंड फ्लेजेला, तो सेलिया एंड फ्लेजेला असल में वो पार्ट है, ठीक है, सेल का जो मूवमेंट में हेल्प करती है। ये किस चीज में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, इसके जरिए मूवमेंट होती है। लाइक अगर हम पैरामीशियम की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, फंजाई की बात करें, तो इनकी बॉडी में एज सच लिग्स नहीं होते, जिस तरह हमारे लिग्स है, ठीक है, जिस तरह हमारी कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है। तो बैक्टीरिया, फंजाई या इसके अलावा क्लेमेडोमोनास या इसके अलावा अगर हम पैरामीशियम को देख लें तो इनकी बॉडी जो है वो क्या, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ना इनके हैंड्स हैं ना इनके लिग्स हैं जिसकी मदद से ये लोग वॉक कर सके, मूवमेंट कर सके। इनकी बॉडी के अंदर सिलिया होते हैं, फ्लेजेला होते हैं, ठीक है। ये इनकी सूडो लिग्स होते हैं यानी फॉल्स लिग्स होते हैं, इनको हम ट्रू लिग्स तो नहीं कह सकते, ये इनके फॉल्स लिग्स होते हैं और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स आर यूज्ड बाय सेल टू चेंज देयर शेप। माइक्रोफिलामेंट जो है ये सेल यूज करता है किस चीज को चेंज करने के लिए, अपने शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। इट्स मीन कि सेल का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, इसमें चेंजेस आ सकते हैं, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देख ले तो साइटोस्केलेटन जो है ये जितनी भी और ऑर्गेनिल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लाइक न्यूक्लियस है, तो ये सब को जो है वो मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रखता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये जितनी भी ऑर्गेनिल्स है ये हाँ स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स होती है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिल्स जो है ये अपनी पोजीशन पे फिक्स ना होती तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स भी होती है, एक दूसरे के ऊपर जो है वो गिरती भी, एक दूसरे के साथ टकराती भी, जिसकी वजह से सेल के डैमेज होने का खतरा होता। लाइक अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अगर हम इस पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को देख ले तो ये सारी बॉडी यानी हार्ट, लंग्स, स्केलेटन, रिब्स, इसके अलावा एब्डोमिन, ये सारे जो है ये अपनी अपनी जगह पे फिक्स है। आप लोगों ने कभी ये तो नहीं सुना है कि स्टमक जो है वो नीचे गिर गई है बॉडी में, ठीक है, या हार्ट जो है ये नीचे गिरा है, तो इसको कौन सपोर्ट दे रही है, इसको हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो सपोर्ट दे रही है। लाइक अगर हम बात करें लंग्स की, हार्ट की, तो हार्ट और लंग्स को किसने प्रोटेक्ट किया है, इसको प्रोटेक्ट किया है रिब केज ने, ठीक है। ये जो आप लोग कभी जब स्लटर करते हैं, ठीक है, कुर्बानी करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिंजरा सा होता है, ठीक है, जिसको हम पिंजरा भी कहते हैं, इनको रिब केज भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हार्ट होता है, हार्ट को किसने प्रोटेक्ट किया होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट किया होता है इसी बोन्स ने, इसी रिब केज ने, ठीक है, और इसको अपनी जगह पे फिक्स रखता है। तो इसी तरह अगर हम सेल के अंदर देख ले तो सेल के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिल्स है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो ये सारी अपनी जगह पे फिक्स है। ये सारी अपनी जगह पे किस तरह फिक्स है, क्योंकि इसके अंदर साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन जो है वो बना है माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से। तो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जो है ये इज अ बोन, इनको सपोर्ट करती है लाइक स्केलेटन जिस तरह हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। तो इसी तरह ये माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट जो है ये साइटोस्केलेटन के तौर पे काम करती है, ठीक है, साइटोस्केलेटन काम करती है और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिल्स है उनको सपोर्ट करती है, उनको अपनी जगह पे फिक्स करती है।
चलिए बुक में भी एक रीड दे देते हैं इसको. इट इज आप लोग बुक की तरफ देखिए, ठीक है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स. ये किस चीज का नेटवर्क है? फिलामेंट्स का. इसके अंदर जो फिलामेंट्स है उसको माइक्रो फिलामेंट्स कहते हैं एंड ट्यूब्यूल कहते हैं. माइक्रो फिलामेंट्स जो है ये एक्टिन प्रोटीन से बने हैं, कभी कभार ये मायोसिन प्रोटीन से भी बने होते हैं, ठीक है. और ये माइक्रो ट्यूब्यूल जो है ये किस चीज से बने हैं? ये बने हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से. माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन एंड आर यूज्ड बाय सेल टू होल्ड देयर शेप्स, ठीक है. और ये सेल किस लिए यूज करता है? टू होल्ड मतलब अपना शेप बरकरार रखने के लिए यूज करता है. और माइक्रो ट्यूब्यूल आल्सो मेक सिलिया एंड फ्लैजेला. माइक्रो फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन. दीज आर यूज बाय सेल टू चेंज देयर शेप. ये सेल यूज करता है, किस लिए यूज करता है? अपने शेप को चेंज करने के लिए यूज करता है. तो समझ आ गई साइटोस्केलेटन की. स्केलेटन के अंदर जो है, जो सेल के अंदर जो स्केलेटन मौजूद है तो उसको क्या कहा जाता है? साइटोस्केलेटन कहा जाता है. साइटोस्केलेटन किस चीज से बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना है और माइक्रोफिलामेंट से मिलके बना है. माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन से बना है उनको ट्यूब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं, और माइक्रोफिलामेंट जिस से बना है वो तो या एक्टिन होगा या मायोसिन होगा. और इसका काम क्या है कि सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिल्स हैं इनको अपनी जगह पे फिक्स करता है, इनको सपोर्ट देता है, ठीक है. समझ आ गई यहाँ पर. चलिए जी, मैं आप लोग को डायग्राम में भी दिखा देती हूँ. ये जो स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन का, ठीक है, ये इधर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ. साइटोस्केलेटन ये है. जी तो आप लोग को स्लाइड में दिखाई दे रहा है या नहीं? सर इस पेज को शेयर करना है. अच्छा, मैं भी आप लोग को साइटोस्केलेटन का पिक्चर दिखा रही हूँ. सबर इसका दिखा देता. मैं आप लोग को साइटोस्केलेटन का पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है. आप लोग इधर स्लाइड की तरफ देखें, स्लाइड की तरफ साइटोस्केलेटन का पिक्चर देख लें, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जो है ये साइड पे माइक्रोट्यूब्यूल आप लोग को दिखाई दे रहे हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स आप लोग के बुक पेज 77 पर भी ये है, ठीक है. बुक पेज 77 पर बुक पेज 77 पे आप लोग देख ले तो आप लोग के लिए लेबलिंग की है माइक्रोट्यूब्यूल की. माइक्रोट्यूब्यूल की लेबलिंग की है, ठीक है. इसके अलावा जी इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है. तो अगर आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख ले तो इसको किसने होल्ड किया है? इसको होल्ड किया है माइक्रोट्यूब्यूल ने. जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो स्केलेटन है, ठीक है, तो वो किस चीज को होल्ड करता है? वो हार्ट को होल्ड करता है. इसके अलावा स्टमक को होल्ड करता है, ठीक है, लंग्स को होल्ड करता है. तो सेम यहाँ पे जो साइटोस्केलेटन है ये होल्ड कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को, डिफरेंट ऑर्गेनिल्स को. इसके अलावा अगर आप लोग देख ले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेबलिंग आप लोग को दिखाई है, आप लोग को स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है. ये जो फर्स्ट लेबलिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग को पता है कि एनिमल सेल में ये फर्स्ट लेयर बनाती है और प्लांट सेल में जो है ये सेकेंड लेयर बनाती है. इसके अलावा नेक्स्ट हमारे साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को भी इसने होल्ड किया है, ठीक है. आप लोग को इधर जो है वो नजर आ रहा है, इसको भी इसने होल्ड किया है. इसके अलावा राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम्स भी आप लोग को इस तरह डॉटेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसको भी किसने होल्ड किया है? साइटोस्केलेटन ने होल्ड किया है. और इसके अलावा नीचे आप लोग को माइक्रोफिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, तो माइक्रोफिलामेंट्स भी इज अ स्केलेटन जो है वो इनको क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है. तो आप लोग को डायग्राम से बिल्कुल क्लियर आइडिया
हो गया होगा कि आप लोग को डायग्राम से बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि साइटोस्केलेटन जो है इसका काम क्या है, सपोर्ट देना है। साइटोस्केलेटन का काम क्या है, सपोर्ट देना है, ठीक है। अच्छा तो समझ आ गई साइटोस्केलेटन की। सॉरी ये डायग्राम का स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अच्छा इधर जो है वो साइटोस्केलेटन का आप लोग को डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लाइक अगर हम अपनी बार बार अगेन अगेन वही सेंटेंसेस जो है वो रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग की बॉडी में जिस तरह स्केलेटन आप लोग के डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसी तरह साइटोस्केलेटन को कौन सपोर्ट कर रहा है, साइटोस्केलेटन को जो है वो सपोर्ट कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेनिलीज को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे साथ नेक्स्ट ऑर्गेनिली है वो क्या है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, ठीक है। सेंट्रियोल जो है ये साइटोस्केलेटन का क्या है, टाइप है, और बुक पे 77 पे है। तो अगर हम सेंट्रियोल को देख ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं। सेंट्रियोल जो है ये हॉलो होता है और हॉलो का मतलब के अंदर से ये खोखला होता है, ठीक है ना। आप लोग सपोज एक सिंपल पाइप ले ले तो पाइप जो है उसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं होते तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये खोखला है अंदर से, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इसके अलावा सेंट्रियोल्स को अगर हम देख ले तो सेंट्रियोल जो है ये प्रोटीन से बना है, ठीक है। इसके अलावा इनके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस है, यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये किस चीज से बना है और इनके फंक्शंस क्या है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो सेंट्रियोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रियोल आर हॉलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिलीज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेंट्रियोल जो है ये हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है, इसका जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिली है और ये मौजूद है सेल में, सेल ऑफ एनिमल्स एंड मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एनिमल सेल्स में भी मौजूद है और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसमें ये सेंट्रियोल्स जो है ये मौजूद है और इसका काम क्या है ये हम जो है वो नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। इन एनिमल्स दीज आर प्रेजेंट नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अच्छा ये बात याद रखिए कि सेंट्रियोल्स जो है ये एनिमल सेल्स में मौजूद होता है और प्लांट सेल में ये नहीं होता, ठीक है। सेंट्रियोल्स हमेशा एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में ये नहीं होता, और एनिमल सेल्स में इनकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे मौजूद है, नियर टू द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस के करीब जो है क्या है, सेंट्रियोल्स मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए मेंशन भी किया है कि इन प्लांट सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, प्लांट में जो है वो सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देख ले तो हमारे साथ सेंट्रोसोम है, तो सेंट्रियोल जो है ये ट्विन नंबर्स होते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली बोथ सेंट्रियोल्स आर नाउन एज सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रियोल्स हमारे पास हाउ मेनी नंबर्स होते हैं, ट्विन नंबर्स होते हैं और कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स का नंबर जो है वो टू होता है और कलेक्टिवली इनको सेंट्रोसोम कहते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, सेंट्रियोल्स मीन्स के वन सेंट्रियोल और फिर दूसरा सेंट्रियोल और कलेक्टिवली इनको क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। एट द टाइम ऑफ डिवीजन सेंट्रोसोम डिवाइड्स टू फॉर्म सेंट्रियोल। अब जब ये जो है ये डिवीजन होती है, डिवीजन का क्या मतलब है कि जब भी सेल डिवाइड होता है, मतलब एक सेल जो है ये टू में डिवाइड होते हैं, जब एक सेल टू में डिवाइड होते हैं तो इट्स मीन के डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अगर सपोज हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि ह्यूमन के अंदर जो है वो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के लिए आप, क्रोमोसोम का टर्म आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है। आप लोग इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर में इनकी फुल डिस्कशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दो कि क्रोमोसोम जो है ये हमारी बॉडी के अंदर कलर्ड बॉडी होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडी होती है,
मीन्स के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है तो इनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं और इस जीन्स का क्या काम है कि ये करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। यानी अगर कोई भी करेक्टर जो है ये मदर से बच्चों में जा रहा है, ठीक है, करेक्टर कोई भी हो सकता है, हेयर कलर भी हो सकता है, आई कलर भी हो सकता है, शेप भी नोज का हो सकता है, आईज का शेप भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स है तो असल में यही जीन्स जो है असल में यही जीन्स जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, करेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम पेरेंट्स टूवर्ड्स दी ऑफस्प्रिंग। अच्छा, तो अब ये फिक्स नंबर ऑफ बिल्कुल कांस्टेंट क्रोमोसोम्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स में भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ह्यूमन बॉडी को डिस्कस कर रही हूँ, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स है तो वो 46 होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम जो है जब डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी एक पेरेंट सेल से जब टू डॉटर सेल्स बनते हैं, तो यही क्रोमोसोम्स जो है ये डॉटर सेल्स में भी जाते हैं, क्योंकि इस क्रोमोसोम्स के ऊपर वो ट्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। अब सपोज एक बच्ची की बर्थ हो रही है, उनका हेयर कलर, उनका आई कलर, उनका आईज का जो शेप है, ये सारी चीजें जो है ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, तो इट्स मीन कि क्रोमोसोम्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स भी साथ साथ जो है ये क्रोमोसोम भी साथ साथ जो है ये बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्रोमोसोम्स जो है ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। अगर सपोज ये क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं हुई तो बच्चों में एबनॉर्मेलिटीज भी आ सकती है, इट्स मीन कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और इनका ट्रांसफर होना जरूरी है। तो यहाँ पे अब सपोज मैं पेरेंट की बात करूँ, ठीक है, इधर मैं लिखूँ कि पेरेंट्स में कितने क्रोमोसोम है, कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है। अब पेरेंट का जो एक सेल है वो डिवाइड होगा, जब वो डिवाइड होगा तो सपोज अगर टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, टू डॉटर सेल्स, तो इट्स मीन कि एक डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। वन डॉटर सेल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के लिए मैं सिंपल सी एच लगा रही हूँ, ठीक है, आप लोग बस समझे इस तरह। और इसके अलावा जो दूसरा डॉटर सेल है, डॉटर सेल का क्या मतलब कि इट्स मीन कि जो बच्चा बन रहा है, वन डॉटर सेल, सेकेंड डॉटर सेल, ठीक है। मोस्टली मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैडम इनको सन क्यों नहीं कहते, ठीक है, कि डॉटर क्यों कहते हैं, मतलब ही हो शी हो कलेक्टिवली हम डॉटर ही यूज करते हैं, तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूज ना हो, बस इसको डॉटर ही कहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रही थी तो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इसको सन क्यों नहीं कहते। तो दूसरा जो है वो अनदर डॉटर सेल है, तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अच्छा, तो अब पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है तो एक सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, दूसरे सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, तो इट्स मीन कि उस क्रोमोसोम्स की क्या हुई है, डबलिंग हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट सेल डिवीजन से पहले एक ऐसा फेज आता है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम चैप्टर 5 में पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे सेल साइकिल में, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इसलिए आइडिया दे रही हूँ कि ये जो सेंट्रियोल है तो असल में ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउ दे हेल्प इन सेल डिवीजन, तो अगर एक डॉटर सेल है तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, दूसरा डॉटर सेल है उसमें भी 46 क्रोमोसोम है, तो इट्स मीन कि क्रोमोसोम्स की क्या हो रही है, डबलिंग हो रही है। तो फर्स्ट एक ऐसा फेज आता है जिसमें पेरेंट सेल में ये 46 क्रोमोसोम जो है ये डबल हो जाते हैं, तो इट्स मीन 46 प्लस 46 इक्वल टू 92, ठीक है ना, मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना, 46 प्लस 46 इक्वल टू 92। तो जब ये 92 हो जाते हैं तो फिर इसके बाद जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये 92 डिवाइड होते हैं, तो 46 एक में जाते हैं, 46 जो है ये दूसरे में जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे सेंट्रियोल्स को ले आए तो असल में सेंट्रियोल्स जो है ये डिवीजन में हेल्प करता है, याद रखिए पेरेंट का सेल डिवाइड होगा तभी डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है ना। अगर पेरेंट का सेल डिवाइड नहीं होगा तो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगे, पेरेंट का सेल डिवाइड होगा। लाइक अगर हम सिंपल रिप्रोडक्शन देख ले तो हम रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं कि याद रखिए जब भी रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है मेल, ठीक है, और फीमेल।
टू ऑपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल. अच्छा, अब मेल और फीमेल है, जब मेल और फीमेल के दरमियान रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, तो इस रिजल्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी गेमीट्स बनते हैं, ठीक है ना. और याद रखिए गेमीट्स में हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. मेल का जो गेमीट है उनको स्पर्म कहते हैं, फीमेल का जो गेमीट है इनको एग कहते हैं. फिर ये जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इस रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बनता है. तो अब यहाँ पे मेल से जो है 46 को अगर हम हाफ कर दे तो इट्स मीन के स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 23. फिर अगर हम एग को जो है वो ले ली, ठीक है, जो फीमेल गेमीट है, तो इधर कितने क्रोमोसोम्स है, इधर जो है वो 23, ठीक है. तो मतलब कि पेरेंट्स में जो है वो कुछ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में रह जाते हैं. अब ये तो नहीं कि सारे क्रोमोसोम जो है ये मेल और फीमेल गेमीट्स में चले जाते हैं, फिर पेरेंट क्या करेगा, पेरेंट के अंदर तो कोई क्रोमोसोम ही नहीं होगा. तो इट्स मीन कि पेरेंट के अंदर जो हाफ क्रोमोसोम जो है वो रहते हैं, तो इनकी क्या हो जाती है, डुप्लीकेशन. अब जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में फिर ये कलेक्टिवली कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, और इस रिजल्ट जो है क्या बनता है, एक नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स बनता है. यानी जब बेबी की बर्थ होती है तो इनकी बर्थ ऐसी होती है कि मेल और फीमेल गेमीट कंबाइन होते हैं, ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से आगे जाके क्या बनता है, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है. तो यहाँ पर डिवीजन का ये मतलब है कि इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होते हैं और इनसे नया ऑर्गेनिज्म बनता है. तो चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि सेंट्रियोल जो है ये कैसे सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है. सेंट्रियोल हमारे पास सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है, यहाँ पर आप लोग को मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ क्रोमोसोम का, ठीक है. क्रोमोसोम का मैं एक पिक्चर दिखा रही हूँ आप लोग को, ठीक है. तो क्रोमोसोम जो है ये क्या है, इसके क्रोमेटिड्स भी है. क्रोमोसोम जो है इनके टू आर्म्स होते हैं, ठीक है. इसको क्या कहते हैं, इनके आर्म्स को क्रोमेटिड कहते हैं, और इनके सेंटर को सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है. इनके सेंटर पोर्शन जो है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं, और इनके जो साइड्स है इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं. ठीक है, सेंट्रोमेयर होता है इनके सेंटर में, और इनके साइड्स में जो है वो क्रोमेटिड होता है. तो अब जब भी एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो इनकी डिवीजन हमेशा सेंट्रोमेयर से होती है, ठीक है. सेंट्रोमेयर से इनकी क्या होती है, डिवीजन होती है. सेंट्रोमेयर से इनकी डिवीजन होती है, सेंट्रोमेयर से इनकी डिवीजन होती है, ठीक है. यहाँ पर आप लोग को सेंटर में नजर आ रहा है, ये पूरा क्रोमोसोम का जो है वो डायग्राम है. सेंटर में ये सेंट्रोमेयर है, और इनके ये जो बाजू है, ठीक है, इनको हम सिंपल क्रोमोसोम के बाजू भी कहते हैं, लेकिन इनको जो नेम दिया है वो क्रोमेटिड है. ये भी क्रोमेटिड है. इसके अलावा कलेक्टिवली ये क्या है, ये क्रोमोसोम है. याद रखिए क्रोमोसोम जो है इनकी लोकेशन क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है. अब ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है. इनके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो इज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो इनकी डिवीजन जो है ये क्रोमेटिड से होती है, ठीक है. सेंट्रोमेयर डिवाइड होता है. अब इस सेंट्रोमेयर को डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, मतलब ऐसा फोर्स चाहिए, ऐसे कोई रस्सी चाहिए, ठीक है, कोई इस तरह के फाइबर्स चाहिए जो इसको ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करें, इनको ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाएं, ठीक है ना. क्योंकि जब सेल की डिवाइड होती है तो हमेशा मिड से होती है, और सेंट्रोमेयर और ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ पे मौजूद है, ये मतलब पूरे सेल के अंदर मौजूद है, और इनका ये जो सेंट्रोमेयर है ये बिल्कुल मिड में होता है. तो इनकी ये जो टू आर्म्स है ये एक पोल की तरफ जाएंगे, और ये बाकी नीचे जो टू आर्म्स है ये दूसरी पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है. तो इनको पोल्स की तरफ ले जाने के लिए कौन सा फोर्स है, वो जो फोर्स लगाने के लिए फाइबर्स होते हैं तो वो किस चीज से बनते हैं, सेंट्रियोल से. मेन पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि ये जो फोर्स क्रोमोसोम पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, तो इन पे जो फोर्स लगाता है और इनको अपोजिट पोल की तरफ खींचता है
तो इनको ऑपोजिट पोल की तरफ ले जाने के लिए कौन फोर्स कौन लगाता है, इनके फाइबर्स कौन बनाता है, तो ये सेंट्रियोल्स बनाता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स असल में वो रस्सी बनाती है, वो फाइबर्स बनाती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है वो डिवाइड हो जाता है और इनके जो क्रोमेटिड्स है ये ऑपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब ये ऑपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि ये टू क्रोमेटिड एक साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ये टू क्रोमेटिड दूसरे साइड की तरफ, और मिड में सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाता है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि डिवीजन हो गई, क्रोमोसोम की डिवीजन जो है वो हो गई और एक सेल जो है वो कितने में डिवाइड हो गया, एक सेल टू में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो है इसका क्या काम है, ये डिवीजन में हेल्प करता है, सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। इनके जो है ये टू क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिड्स को ऑपोजिट साइड की तरफ कौन अट्रैक्ट करता है, इनको ऑपोजिट साइड की तरफ अट्रैक्ट करता है कौन, सेंट्रोमेयर, और यही सेंट्रियोल जो है ये वही फाइबर्स है जो इनको ऑपोजिट साइड की तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है, ये वो फाइबर्स बनाती है। इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर फाइव में डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर फाइव में इसको हम फुल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसको फिर हम चैप्टर फाइव में फुल डिस्कस करेंगे, तो वहां पर आप लोग को फुल आइडिया हो गया हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इधर मैं आप लोग को इसका डायग्राम दिखा रही हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं डायग्राम दिखा रही हूँ किस चीज का, सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल को अगर हम देख ले, देयर फंक्शन इज टू फॉर्म, आप लोग बुक की तरफ देख ले, पेज 77, देयर फंक्शन इज टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर हेल्प इन क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल जो है ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर का काम क्या है कि ये क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की तरफ खींचेगा तो सेल की डिवीजन होगी और क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। इधर आप लोग को जो है वो दिखाई दे रहे हैं कितने यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो इसमें आप लोग को माइक्रोट्यूब्यूल जो नजर आ रहे हैं तो वो कितने नंबर है, यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये मतलब है कि एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में कितने नंबर होते हैं, 3, इट्स मीन कि 7 × 3 = 27, तो इसमें टोटल कितने हैं, आप लोग अगर डायग्राम को देख ले और इसको काउंट कर ले तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा। ये जो है ये 9 है, इसके ये मेन माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये 9 है और इनके साथ कितने अटैच है, 3 3, इट्स मीन हम इसको नेम देते हैं ABC, ठीक है, आप लोग बुक पे 77 या स्क्रीन को देख ले, फिर अगेन ABC, ठीक है, आप लोगों को एक रेड कलर का दिखाया है, एक आप लोगों को पर्पल कलर का दिखाया है और एक ग्रीन कलर का दिखाया है। तो 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये मतलब है कि इसके अंदर जो है वो 9 इन नंबर होते हैं और हर एक की 3 नंबर होते हैं। फिर ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये चेन की तरह एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, चेन की तरह ज्वाइन होने के बाद इसका क्या काम है कि ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सेल की क्या हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, ठीक है। आप लोग होमवर्क में ले लें, होप सो कि आप लोग को समझ आ गई होगी। यहाँ पर सेल और जो फ्लैजेला का कॉन्सेप्ट दिया है पॉइंट टू रिमेम्बर में, तो मैंने आप लोग को पहले भी क्लियर करवा दिया और अब भी क्लियर करवा रही हूँ कि सेलिया और फ्लैजेला जो है इसका काम क्या है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो सेल मूवमेंट करती है। लाइक अगर हम अपनी बॉडी को देख ले तो हमारी बॉडी जो है जिस तरह मूवमेंट करती है, जिस तरह हमारे लेग्स हैं, तो ऐसा जो है वो इनके जो है वो लेग्स नहीं होते, इनको हम सूडो लेग्स भी कहते हैं, ठीक है, ये इनके फॉल्स लेग्स होते हैं। आप लोग होमवर्क में ले ली, ठीक है, बुक पे 77 पे ये जो साइटोस्केलेटन का डायग्राम है, साइटोस्केलेटन का डायग्राम, इसको नीट और क्लीन बनाना है, इसकी लेबलिंग एक साइड पे करनी है, ठीक है, कैपिटल लेटर में विद डबल अंडरलाइनिंग। होमवर्क में आप लोग 77 पेज पे साइटोस्केलेटन का डायग्राम ले लें। अभी आप लोग के अगर क्वेश्चंस है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप लोग पूछ लें।
जी जुबेर, क्वेश्चन करें आप। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। जी मैडम, हम प्रैक्टिकल्स कब मनाएंगे? प्रैक्टिकल्स आप लोग कब बनाओगे? प्रैक्टिकल्स जो है, प्रैक्टिकल जब हमारा कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन है, तो मतलब वोकेशंस हैं, तो जब भी हमारा कोर्स कवर हो जाता है तो फिर हम 15 या एक मंथ प्रैक्टिकल्स के लिए रखते हैं। तो इंशाल्लाह जब कोर्स कवर हो जाए फिर हम बनाएंगे, या फिर हम कोशिश करते हैं कि साथ साथ करें, लेकिन अभी तो हमने स्टार्ट लिया है। कोर्स थोड़ा सा कवर हो जाए फिर प्रैक्टिकल्स की भी स्टार्ट ले लेंगे। आप लोगों ने नोटबुक्स लिए हैं? नोटबुक्स लिए हैं आप लोगों ने? जी मैडम लिए है। अच्छा, चलिए, गुड, थैंक यू। हे सर, क्वेश्चन करें आप। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, ये सिलिया और फ्लैजेला जरा बता दें। अच्छा, सिलिया और फ्लैजेला का क्या काम है? लाइक अगर हम अपनी बॉडी को देख ले, आप खुद अपनी बॉडी को देख लो, ठीक है, तो आप किस के जरिए मूवमेंट करते हैं? लिक्स के जरिए करते हैं ना, लिक्स के जरिए करते हैं। तो इसी तरह अगर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देख ले जो यूनिसेलुलर है, लाइक पैरामीशियम है, ठीक है, लाइक क्लेमेडोमोनास है, लाइक अगर हम सेल्स की बात करें, ठीक है, या साइटोस्केलेटन की बात करें, तो साइटोस्केलेटन के तो लिक्स नहीं होते ना कि वो मूवमेंट करेगा, ठीक है, इनके सुडो लिक्स होते हैं। सुडो का मतलब कि इनके फॉल्स लिक्स होते हैं, और इनके फॉल्स लिक्स की वजह से ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। सेलिया जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिलिया और फ्लैजेला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। लाइक आप लोगों ने पैरामीशियम की आउटर बाउंड्री में वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे हैं ना, तो यही सिलिया और फ्लैजेला है। इसके जरिए ये छोटे छोटे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या अगर हम सेल की बात करें, तो इसके जरिए ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। क्लियर? यस मैम, क्लियर, थैंक यू मैम। वेलकम ओमामा, क्वेश्चन करें। स्पिंडल फाइबर की अगर हम सिंपली बात करें ना, तो ये एक धागी की तरह होती है, रस्सी की तरह। जिस तरह अगर हम सेंट्रियोल्स को देख ले, तो सेंट्रियोल्स यही फाइबर्स बनाते हैं। चैप्टर 5 में बिल्कुल आइडिया क्लियर हो जाएगा। इधर थोड़ा सा आइडिया दे लो, ठीक है। तो स्पेंडल फाइबर का काम क्या है? देखिए, क्रोमोसोम ने डिवाइड होना है। अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है, मीन के एक पेरेंट सेल से टू बन रहे हैं, तो हाफ क्रोमोसोम एक डॉटर सेल यानी एक बच्चे में जाएंगे, और हाफ क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल यानी दूसरे बच्चे में जाएंगे। तो अब क्रोमोसोम को डिवाइड कौन करता है? मतलब क्रोमोसोम के क्रोमेटेड, उसके जो बाजू है, उसको ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फाइबर चाहिए, जो रस्सी चाहिए, तो ये सेंट्रियोल से बनती है। ऑपोजिट पोल की तरफ हमने इसको क्यों ले जाना है? इनके सेंट्रोमेयर को हमने, इसके सेंट्रोमेयर पर हमने फोर्स लगाना है। अगर इनके सेंट्रोमेयर पर हम फोर्स लगाएंगे, तो इनके ये जो आर्म्स है, ये बाजू है, ये ऑपोजिट पोल की तरफ क्या स्टार्ट कर देंगे? मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो एक सेल को दो में जब डिवाइड करेंगे, तो क्रोमोसोम को भी डिवाइड करेंगे, और क्रोमोसोम के डिविजन के लिए फाइबर्स चाहिए, स्पेंडल फाइबर्स चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू।